नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाइयों से अपील रहेगी, बहनों से अपील रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कभी कभी क्या होता है कि जब खबर अच्छी आती है तो चारों तरफ से अच्छी खबर आती है। अभी चाइनीजों के ऊपर स्ट्राइक हुई है, उधर से भी खबर अच्छी आ रही है, और फिर एक बार अच्छी खबर आई है। वो अच्छी खबर क्या आई है? इस बार ये खबर अंतर्राष्ट्रीय लेवल की है। भारत ने कनाडा से साफ कह दिया है कि जितने डिप्लोमेट्स यानी जितने हमारे ऑफिसर्स तुम्हारे देश में रहते हैं उतने ही तुम्हारे हमारे देश में रहेंगे, बराबरी की बात। और ये वियना समझौता के तहत भी ठीक है। आप लोगों को पता है एक दूसरे के देश में डिप्लोमेट्स रहते हैं, उन देश में वीजा पास वीजा लगाना और वहां पे जो उनके लोकल्स लोग रहते हैं, काम करने वाले लोग रहते हैं, उनकी मदद करना होता है। उसके अंदर में घुस करके कुछ एजेंट्स वेजेंट्स भी काम करते हैं बहुत बार। तो भारत के 21 डिप्लोमेट्स रहते हैं कनाडा के अंदर, और कनाडा के 62 डिप्लोमेट्स रहते हैं भारत के अंदर। आप लोगों को पता है कि एक कनाडा ने निकाला था तो एक भारत ने निकाल दिया था, उसके बाद की स्थिति बता रहा हूं। अब जो रिपोर्ट आई है वह बड़ी मस्त रिपोर्ट है। भारत ने 41 कनाडाई डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने को कहा। रिपोर्ट्स में दावा है कि 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है और सभी कनाडा के अभी कनाडा के 62 डिप्लोमेट्स मौजूद है देश के अंदर। भाई तुम 4 करोड़ के देश हो, 62 लोग भारत में क्या कर रहे हैं तुम्हारे? क्या ये लोग भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं? क्या यही लोग हैं जो खालिस्तानियों को प्रमोट कर रहे हैं? किस लिए हैं 62 लोग भाई? बेसिकली है क्या ना, इनका एक दिल्ली में सेंटर है कनाडा के डिप्लोमेट्स का, एक चंडीगढ़ में है। ये बड़े पैमाने पे कनाडा स्टूडेंट्स को ले जाने के लिए, दुनिया भर की चीजों के लिए इन्होंने डिप्लोमेट्स प्लॉट कर रखे हैं, और इसमें से कुछ ऐसे हैं जो संदिग्ध भी हैं। जैसे ही ये बात भारत ने कही, जो कनाडा का कॉमेडियन पीएम है जस्टिन ट्रूडो, घुटने के बल रेंगले लगाए। आपने देखा होगा पहले इसने अपनी संसद में क्या बयान दिया था, उसके बाद धीरे 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 अपने बयान के टोन बदलता गया, और फिर इसने बयान क्या दिया खालिस्तानियों के ऊपर जब सवाल उठा, तो जब इसके यहां के पत्रकारों ने पूछा और जगह के पत्रकारों ने जब पूछा न्यूज एजेंसियों के, तो इसने कहा कि ऐसा है ना कि अभिव्यक्ति की आजादी पे हम पाबंदी नहीं लगा सकते। उस अभिव्यक्ति की आजादी का पोल खोला है एलन मस्क ने, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस मसले को पूरे समझते हैं कि क्या है। देखिए दोस्त, ऐसा है कि एक मजबूत सरकार है भारत में, और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब खुद ही एक बढ़िया डिप्लोमेट्स रहे हैं, दुनिया भर का अनुभव, और जिस दमदारी से बात करता है वह व्यक्ति पूरी दुनिया के मंच पे, वह देख करके इस देश का जो भी नागरिक इस देश से प्रेम करता है, भारत से प्रेम करता है, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि यह जवाब होता है। और इस तरीके से 140 करोड़ के देश को जवाब देना चाहिए। अभी हाल में यूएन में गए थे एस जयशंकर साहब, और सबसे बड़ी बात है कि गाली नहीं देते किसी को, अपशब्द नहीं कहते हैं, जो शब्द बोलते हैं ना वो कोई आम नेता अगर उस पद पे रहता तो नहीं बोल पाता। जो नपा तुला शब्द और उन शब्दों में साफ साफ समझा देते हैं, उन्होंने पश्चिमी देशों को कहा कि हमको अभिव्यक्ति मत समझाइए और हमको ये मत समझाइए कि हमको क्या करना है, हमको अच्छे से पता है हम क्या कर रहे हैं, हमको अच्छे से पता है हमें क्या करना है। कुछ लोग दबाव बनाने की कोशिश की, I-5 ये वो फलाना ढिकाना, लेकिन उसी अमेरिका में खड़ा होकर के जयशंकर ने साफ साफ क्लियर कर दिया था इस बार। हालांकि अमेरिका भी बहुत साथ नहीं आया, उसने भी इसी तरह कहा थोड़ा जांच वांच में सहयोग करना चाहिए, वो है, थोड़ी बहुत बयान आए, किसी के कुछ बयान आए, लेकिन साफ क्लियर कट कोई बयान नहीं आया। ब्रिटेन ने तो साफ ही मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने तो साफ ही मना कर दिया, न्यूजीलैंड ने हाथ जोड़ लिए, भाई साहब कुछ नहीं। अब सोचिए जस्टिन ट्रूडो की यह हालत हो गई कि श्रीलंका वाले रेलने लगे उसको, बांग्लादेशियों ने रेल दिया उसको। देखिए
किसी भी देश का जो नेतृत्व होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वो क्या बोलता है इंटरनेशनल फोरम में, क्या बोलता है अपने देश के अंदर, क्या बोलता है अपनी संसद के अंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जस्टिन ट्रूडो की हालत ये हो गई है, जिसका बाप भी ऐसे ही था, वो भी खालिस्तानियों को पूरा प्रमोट करता था, सारी चीजें थी, ये भी उसी रास्ते पे चल गया है। अब तो कनाडा के लोग विरोध करने लगे, क्या कनाडा की धरती पे खालिस्तान बनाओगे? और खालिस्तान बनेगा कभी ना दोस्तों, तो कनाडा की धरती पे ही बनेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं आज। तो थोड़ा सा आगे बढ़कर के देखते हैं कि और क्या क्या हुआ इसमें और क्या क्या हो सकता है। भारत में कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने को कहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर जारी तनाव के बीच ये फैसला लिया गया है। इन डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने के लिए 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। डेडलाइन के बाद इन 41 में से जो डिप्लोमेट भारत में रह जाएंगे उनको मिलने वाली छूट, मतलब जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है वियना समझौते के तहत, वो खत्म हो जाएगी। और जब वो खत्म हो जाएगी तो इनको किसी मामले में गिरफ्तार भी किया जा सकता है, इनको पकड़ा भी जा सकता है, जेल में भी डाला जा सकता है। तो कुल मिला जुला करके इनको छोड़ना ही है 10 अक्टूबर तक। ये भारत का एकदम साफ साफ संदेश है, ले जा भाई, 21 तुम्हारे, हमारे तुम्हारे यहाँ, और तुम्हारे भी 21 ही रहेंगे हमारे यहाँ। ये जो धंधा तुमने लगा रखा है ना इधर उधर, कनाडा जा रहे हैं हम, कनाडा वाला धंधा बंद है ना। और तुम जो अपने i5 वाले बाप हैं उनको बुला लाना, उनको भी देख लिया जाएगा, i5, i7, i10। इसके अलावा क्या हुआ, डेडलाइन से पहले अगर कनाडा डिप्लोमेट्स वापस नहीं लौटे तो इम्यूनिटी खत्म कर दी जाएगी। ऐसे में सबसे पहले जानिए कि डिप्लोमेट्स की इम्यूनिटी होती क्या है, थोड़ा सा जान लीजिए, इस पे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। वियना कन्वेंशन के तहत डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को मानना जरूरी है। इसमें क्या क्या होता है कि किसी डिप्लोमेट्स पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, नहीं उसे गिरफ्तार किया जा सकता, नहीं किसी कानून के मुताबिक कोई अपराध करता है तो उसे वापस उसके देश ही भेजा जा सकता है, उस पर किसी भी तरीके गवाही नहीं ली जा सकती, तलाशी नहीं ली जा सकती, ये सब सारी चीजें हैं। इसका फायदा भी उठाते हैं लोग, खैर फायदे की तो बात जाहिर सी बात है, जब किसी को इतनी इम्यूनिटी मिली, कोई चाइना वाले आए ना बैग लेकर के, तो इम्यूनिटी के तहत ही छूट गए। हालांकि भारत सरकार ने उनका बैग उनके दूतावास के अंदर तक छोड़वा करके आया, अगर बाहर नहीं निकाल कर कुछ कर सकते, क्योंकि इम्यूनिटी भी इनको उसी उसमें मिली हुई होती। अब दूसरी बात यहां पर समझिएगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, यही वियना समझौता कहता है कि डिप्लोमेट्स बराबर के आसपास रहने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे 21 है उनके यहाँ, तो उनको बहुत जरूरत है, बड़ा देश है, 22-25 कर लो, ये म्यूचुअल कंसर्न पे रहता है, कोई इसमें कोई नियम नहीं काम करता। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे 21 रहेंगे, तुम 50, 60, 100 भर लो यहाँ, ये नहीं चलेगा, ले जाओ वापस, ये सब एजेंडाबाज हैं, सब एजेंडा चला रहे हैं, तुम्हारा खालिस्तान हम बनवाते हैं। तो जैसे ही ये खबर पहुंची कनाडा तक, अब ट्रूडो साहब की तो हेकड़ी बंद। अब ये क्या कह रहे हैं कि हम भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते चाहते हैं। वहां का एक सांसद का बयान आता है कि अब ट्रूडो भारत पे इस तरीके का कोई आरोप नहीं लगाएंगे। अब लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे वो तो आगे पता चलेगा, देखने वाली बात है। ट्रूडो ने मंगलवार को कहा कि कनाडा नई दिल्ली के साथ स्थिति को बढ़ाना नहीं चाहता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कनाडा भारत के साथ जिम्मेदारी पूर्वक रचनात्मक रिश्ते जारी रखना चाहता है। कनाडा के प्रधानमंत्री की टिप्पणी ऐसे समय पे आई है जब भारत ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने के लिए 10 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है। अब इनके तेवर नरम पड़ रहे हैं। अब नहीं बोलोगे भारत वाले इसमें शामिल हैं, जांच वांच, अमेरिका ने भी कुछ जांच वांच को कुछ कहा था, बीच में कुछ खबर आई थी, भारत ने पूछा कि जांच किस चीज की जांच और कौन सा मदद करें हम तुम्हारी जांच में, क्योंकि भारत इस बात को स्थापित कर दिया वैश्विक मंच पे कि निज्जर एक आतंकी था, गलत पासपोर्ट पे कनाडा में गया था और आपने आतंकियों को पनाह दिया था, इस पे पहले जवाब दीजिए, उसके बाद निज्जर की हत्या किसने की, उसने की, इसने की, इस पे बात करेंगे। और जब इन सारी चीजों पे जब सवाल पूछा जा रहा था तो जस्टिन ट्रूडो एक शब्द का बार बार यूज कर रहा था कि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत खालिस्तानी प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब उनके नागरिक, उसके कहने का मतलब था हम लोग खालिस्तानी कहते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम इस पे बैन नहीं लगा सकते।
और इसकी पोल खोल दिया दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने, जब बढ़िया से लताड़ा जस्टिन ट्रूडो को। तो ये व्यक्ति अब हर तरफ से मार खा रहा है, पहले बीबी चली गई छोड़ करके, अब जब यही सब हरकतें रहेंगी तो कोई भी छोड़ चला जाएगा। क्या कहा जस्टिन ट्रूडो ने, जस्टिन ट्रूडो का ट्वीट है सामने, उसको पढ़िएगा। कनाडा में एक नियम बनाया गया है कि जितनी भी लाइव स्ट्रीमिंग है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोई अन्य ऐप हो, पोर्टल हो, न्यूज चैनल हो, लाइव स्ट्रीमिंग जिसकी होगी या वीडियो स्ट्रीमिंग जिसकी भी होगी, उसको कनाडा की सरकार से रजिस्टर होना पड़ेगा और उस कंटेंट को वेरीफाई भी करेगी कनाडा की सरकार। मतलब जैसे मैं यूट्यूब चला रहा हूं तो हम लोग तो रजिस्टर्ड है नहीं, यूट्यूब जितने लोग चलाते हैं, कोई कानून है नहीं इसके लिए। उसने कानून बनाया, कहां पे बनाया, कनाडा के अंदर। उसी पे जस्टिन ट्रूडो ने बोले तुम क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो। और उससे भी बड़ी बात, ब्लूमबर्ग, सीएनएन, इन सबों ने कनाडा के अंदर कंटेंट दिखाना ही बंद कर दिया, क्योंकि भाई अब जब डिजिटल प्लेटफॉर्म को कैसे रजिस्टर कराएं, क्या प्रोसीजर है, क्या मैकेनिज्म है। और आप हर न्यूज चेक करोगे तो सबसे पहले कोई न्यूज चलाने से पहले हम जाएंगे सरकारी ऑफिस, उस न्यूज को वेरीफाई कराएंगे, फिर चलाएंगे, यह कैसे पॉसिबल है। इसी बात पे एलन मस्क साहब ने कहा कि ट्रूडो इज ट्राइंग टू क्रश द फ्री स्पीच इन कनाडा, सेम फूल, शर्मनाक है, डूब मरो, कहने का ही मतलब है। अब एक और है, पत्रकार है अमेरिका के, बहुत बड़े हैं, उन्होंने कहा कि द कैनेडियन गवर्नमेंट आर्म विद वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट रिप्रेसिव ऑनलाइन सेंसरशिप स्कीम्स अनाउंस दैट ऑल ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस आर ऑफर पॉडकास्ट मस्ट फॉर्मली रजिस्टर विद द गवर्नमेंट टू परमिट रेगुलेटरी कंट्रोल्स। समझ गए ना साहब, यूट्यूब पे बैन लगाओगे, स्ट्रीमिंग पे बैन लगाओगे, स्ट्रीमिंग को रजिस्टर होना चाहिए, वो हम कंट्रोल करेंगे, सारी चीजें करेंगे, तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां गई भाई, है ए फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और ट्रूडो साहब ने जो रेला है, ट्रूडो को जो रेला है एलन मस्क ने, उसकी खबर भी सब जगह छपी है। एलन मस्क ने खोला ट्रूडो के खिलाफ मोर्चा, भारत के खिलाफ इस्तेमाल हथियार का भंडा फोड़, ये हथियार इस्तेमाल करता था, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। भारत कनाडा विवाद के बीच जस्टिन ट्रूडो पर भड़के एलन मस्क। तो ये इस व्यक्ति की सच्चाई है। और हमारे यहाँ के जो चाइनीज पत्रकार है ना, जो अभी गिरफ्तारी चल रही है, पूछताछ चल रही है, भारत कनाडा के विवाद में कनाडा के साथ खड़े हो गए, है ना, ये मतलब अद्भुत है, ऐसा तो देखा ही नहीं। चाइना से पैसा मिलेगा भाई साहब, करोड़ों करोड़ों रुपया आएगा, और कनाडा के हाथों बिक जाओगे आप, गजब हाल है भाई। और उसके बाद कहोगे पत्रकारों पे आईसी हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, अरे बोलने ने मोदी सवाल पूछ लिए इसलिए हमारे साथ ऐसे हो गया। रे बाप, मोदी से सवाल तो तुम लोग 2002 से पूछ रहे हो, क्या क्या नहीं किए उस व्यक्ति के साथ, कांग्रेस की सरकार हो चाहे इस देश की मीडिया हो, लोगों ने लिख लिख करके दूसरे देशों को दिया कि मोदी को वीजा मत देना, जबकि वो व्यक्ति गुजरात जैसे महत्वपूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री था। और आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो, ये दोगलापन नहीं चलेगा। तो कनाडा को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि भारत अब वो वाला भारत नहीं है कि तुम अमेरिका आ जाओ, लंदन आ जाओ, ब्रिटेन आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया आ जाओ और न्यूजीलैंड आ जाओ और मिल करके गैंग बना करके भारत के ऊपर कहोगे ऐसे करो, ना ना ना, मजबूत सरकार है, मजबूत विदेश मंत्री है, मजबूत प्रधानमंत्री, 140 करोड़ का मार्केट है, तुमको जरूरत होगी तो तुम आकर के गिड़गिड़ाओगे, भारत को जरूरत नहीं है। भारत रिश्ते रखेगा तो बराबरी के साथ रखेगा, नहीं तो रिश्ते नहीं रखेगा, ये साफ और क्रिस्टल और क्लियर कर दिया इस देश की सरकार ने। तो दोस्तों ये आप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, एनालिसिस पसंद आया होगा, वीडियो को शेयर करिएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से, लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, इस चैनल के लिए आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।